हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर मक्खन वाला। आज हम बनाने वाले हैं पनीर मक्खन वाला सब्जी। मक्खन से हम पनीर की बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी आज हम घर पर बनाएंगे। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर ले। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, धो के अच्छे से। अब इसे हम लंबाई में चॉप करेंगे। लंबाई में काटना है हमें इस तरह से। प्याज को लंबाई में काट लिया है। 3 ही मीडियम साइज के लिए है टमाटर। टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। टमाटर की हमें प्यूरी बनानी है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसकी टमाटर की प्यूरी तैयार करेंगे हम। टमाटर को हम साइड में रख लेते हैं। अभी लेंगे हम प्याज। प्याज को हमें भूनना है। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। जो हमने प्याज काट के रखे हैं इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। थोड़े मैंने यहाँ काजू लिए हैं 10 से 12। पानी में भिगो के छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट पहले। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम से नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा करके एक पेस्ट रेडी करेंगे। ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में इसे, हल्का सा पानी डाल के। 2 चम्मच मैंने यहाँ बटर लिया है। बटर को हम गर्म होने देंगे। बटर हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम तो प्याज का पेस्ट हमने रेडी किया है, तो डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम इसमें 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने यहाँ लंबाई में चॉप कर लिया है और अच्छे से इसे भूनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने यहाँ कूट के डाला है। टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमें बहुत थोड़ी सी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी डाली है मैंने, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई। फेंट के डालना है मलाई को। मिक्स कर देंगे इसे भी। इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दही। 1/2 कटोरी मलाई लेना है, 1/2 कटोरी दही। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, दही नॉर्मल होना चाहिए।
थोड़ा डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर हमें जब तक पकाना है कि साइड से ये घी नहीं छोड़ देता। जो हमने बटर डाला है अच्छे से साइड से नहीं छोड़ देता, तब तक हमें इसे कुक करना है। ढककर हम इसे रख देते हैं। हमने काजू का पेस्ट रेडी किया है, वो भी इसी में मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने यहाँ लंबाई में काट लिया है। आप कोई भी डिजाइन से काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, छोटे पीस काट सकते हैं, बड़े पीस काट सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार। देखिए चारों तरफ से घी छोड़ दिया है, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर हमारी रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी हम जरूरत के अनुसार ही डालेंगे। मैंने यहाँ 1/2 ग्लास पानी डाला है। मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, ये काफी थिक लग रहा है। अब इसमें डालेंगे हम पनीर के टुकड़े। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे वो ढक देते हैं हम, ताकि जो पनीर क्यूब्स हमने डाली है उसके ऊपर भी अच्छे से मसाला कोट हो जाए। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम ढक कर रख देते हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसे गैस की फ्लेम से नीचे उतार लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर रेडी हुई है हमारी, रेस्टोरेंट जैसी। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई, थोड़ी क्रीम, फ्रेश मलाई को फेंट के रखा है मैंने, यहाँ डाल देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।